ये फैसला तो पहले भी था और अटैक नहीं कर रहे थे नीतीश कुमार सरकार पे, हमला नहीं कर रहे थे। अगर ये कोई कहे कि टेस्टिंग बढ़ाओ, ये कोई कहे कि आपके इंस्टीट्यूशनल केयर का दायरा सीमित है, ये कोई कहे कि बाढ़ और आपदा ने बिहार को बदहाल परिस्थिति में पहुंचा दिया है और सरकार सुषुप्तावस्था में है, तो ये हमला नहीं होता है। आलोचना के ऐसे स्वर में सलाह हुआ करते हैं, वो तो एनडीए में पहले भी थे चिराग जी या एलजेपी, तो उसमें क्या गठबंधन में रहते हुए आप सरकार को सलाह नहीं दे सकते? राजनीति लोक जीवन का यही मतलब है, उस संदर्भ में देखिए ना। ये उम्मीद किसको दिख रही थी? मीडिया को दिख रही होगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे थे कि तेजस्वी जी जो लगातार मार्च के तीसरे हफ्ते से कह रहे थे, चिराग जी ने भी उसको उस फेहरिस्त में चीजें जोड़ी बताई, तो अब इस मैं ये तो तय कर लिया जाए ना कि लोक जीवन में किसी गठबंधन में रहने का मतलब यह है कि आप सेलो टेप लगा लें, कुछ बोले नहीं, लोगों की जिंदगी में कोहराम मचा हो और हम चुप्पी साध लें, वो लोक जीवन नहीं होता। देखिए, एक तो यंग टर्क और ओल्ड वन ये मुहावरे पुराने हैं। इसकी व्युत्पत्ति कब हुई थी वो हम सबको थोड़ा इतिहास जानना होगा। किसी भी दल के जीवन काल में ऐसा क्षण आता है जब विमर्श में कई तरह की असहमतियां भी आती हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि सबसे पुरानी पार्टी है इस देश की और ये रिजॉल्व कर लेगी। ऐसी क्राइसिस पहली बार नहीं फेस हो रही है या अन्य दलों में ना हो रहा हो ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि एक खुले मन से सार्वजनिक जीवन की क्या जरूरतें हैं और हिंदुस्तान को विकल्प के रूप में क्या चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान को विकल्प भाजपा नीति जो ये गठबंधन है दिल्ली की सत्ता में, आप इसकी फोटोकॉपी बन के थोड़ी विकल्प होंगे या वो फिक्शनल नेशनल मूड के आधार पर आप स्ट्रैटेजी बदलते रहेंगे, ये नहीं होना चाहिए। एक मेच्योर्ड पॉलिटिकल पार्टी रिजॉल्व करती है चीजों को व्यापक संदर्भ में। सर, बेरोजगारी अपोजिशन की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उठाया गया, आप लोगों की क्या? मेरा तो सीधे तौर पर कहना है कि छोड़िए विपक्ष, राहुल जी, कांग्रेस, हम क्या उठा रहे हैं, सरकार का आंकड़ा क्या कह रहा है? उनका आंकड़ा है ना, सरकारी आंकड़ा है, सरकार ने उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया, कैसे बेरोजगारी दूर करेंगे? और जब इस स्केल की बेरोजगारी होती है ना, इसका सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। मुझे दुख है कि सिवाय सिंबोलिज्म के, सिवाय रेटरिक के, सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट इसको एड्रेस करने का नहीं दिख रहा है। पहले ही ये पैंडेमिक से पहले ही स्थितियां बहुत खराब थी, अगर चुनाव के वक्त का वो आंकड़ा देखें 2019 का, और अब पैंडेमिक ने तो और तहस नहस मचा दिया है, तो सिवाय गोल गोल शब्द के हमने तो कुछ नहीं देखा जमीन पे। देखिए, मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, अक्सर हम कहते हैं मिलिट्री लेवल डायलॉग हो रहा है, हमारे सेना की प्रतिबद्धता और हौसले में कभी कोई कमी नहीं रही। शायद दुनिया की हम एकमात्र सेना है जिसने विश्व में नक्शा बदल दिया, विश्व का एक नया देश पैदा हुआ जिसे बांग्लादेश आज कहते हैं। दिक्कत है कूटनीति की, जो हमारी रॉबस्ट नो नॉनसेंस पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ है उसमें हम चूक क्यों जाते हैं जब चाइना का मसला आता है? ये जो चंद आलिशान कमरे हैं ना दिल्ली में जहां से कूटनीति तय होती है, वो चाइना के गनबोट डिप्लोमेसी के जवाब में ट्रायल बेलून डिप्लोमेसी का सहारा लेती है। दिक्कत वहां है, उस दिक्कत को सामूहिकता में दूर करना चाहिए। सर, आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले सरकार ने कुछ देश का मानस भी इसके खिलाफ में है, सिर्फ केरल की सरकार नहीं है। आए दिन हम देख रहे हैं रेलवे के साथ क्या हो रहा है, एयर इंडिया के स्टाफ्स के साथ क्या हो रहा है, एयरपोर्ट को, तो मुझको लगता है कि आत्मनिर्भरता का कि अगर ये परिभाषा है कि सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र की चीजों को पूंजी के हवाले कर दिया जाए, बाजार के हवाले कर दिया जाए, तो ये उचित फैसला नहीं है। देखिए, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या खुलता है, किस आधार पर खुलता है, क्या बंद होता है, किस आधार पर बंद होता है। अलग अलग राज्य सरकारों के फैसले मुझे हैरान करते हैं। एक तरफ आप स्कूल कॉलेज नहीं खोलेंगे, एक तरफ लाखों की संख्या में नीट का एग्जाम देने के लिए, जेई का एग्जाम देने के लिए, तो ये जो खुलना और बंद होने का, इसकी एक संवेदनशील समझ होनी चाहिए। कहीं बार खुल रहे हैं, कहीं पर किताब की दुकानें अभी भी बंद हैं, तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर के सोचना पड़ेगा।